राजेश, आपने सुंदर और इतनी बड़ी कविता कम समय में कैसे तैयार कर ली? दिनेश, मेरी पत्नी रोज मुझसे लड़ती है और रोज मुझे नए नए शब्द सुनने को मिलता है। बेटा, पिताजी, आपका चश्मा क्या चीज को बढ़ा करके दिखाता है? पिता, हाँ बेटा, बेटा, एक काम करना। पिताजी, जब भी आप मुझे खाने के लिए केक दें, तब चश्मे को उतार कर देना। पंडित जी, तुम्हारा विवाह एक पियक्कर से होगा और विवाह के पश्चात कुछ वर्षों तक तुम बहुत दुखी रहोगी, गीता। परंतु पंडित जी, उसके बाद क्या होगा? पंडित जी, उसके बाद तुम्हें दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर श्रीमान, आपकी पत्नी का टॉन्सिल का ऑपरेशन तो आप बचपन में ही करा लेते ना। रोगी महिला, डॉक्टर, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। महिला का पति, डॉक्टर साहब, मैंने पैसे के बिल तो ससुर जी के पास भेज दिए हैं। कब्रिस्तान का एक कर्मचारी नशा करके कब्र खोद रहा था और खोदता गया, शाम पड़ गई। कब्र गहरी हो जाने के कारण बाहर नहीं निकल सका। कर्मचारी ने गिड़गिड़ाकर, खुदा के वास्ते मुझे बाहर निकालो, मैं ठंड से मरा जा रहा हूँ। तभी एक आदमी उधर से गुजरा। उस आदमी ने झांक कर कब्र में देखा और कहा, ठंड तो लगेगी ही भाई, लोग तुम पर मिट्टी डालना भी भूल गए हैं। टीचर, बताओ बच्चों, बरसात से क्या लाभ है? छात्र, सर, हमारी दुकान में रखी छतरियां और बरसाती फटाफट बिकने लगती है। सुरेश, आओ दिनेश, तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा, तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है, परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निकट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की। मैंने बीए पास किए हैं, अगर नौकरी करूं तो आपको इतराज होगा। पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूं। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा था कि तुम ये कहोगे कि ये कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूं जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। अपराधी, मित्र से, मैं श्रमदान करने आ रहा हूं। मित्र, अच्छा, कहाँ से? अपराधी, जेल से, 6 महीने का श्रम करवास हुआ था। रोगी, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका मुफ्त में कर दूंगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी, शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। डॉक्टर, मैं आपको काफी दवाएं दे चुका हूँ लेकिन असर नहीं हुआ, अब मैं दवा बदल कर देखता हूँ। रोगी, नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर बदलने की सोच रहा हूं। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उनसे बारिश का वादा कीजिए। सुरेश ने मिथिलेश से कहा, तुम समझते क्या हो, मैंने दो दो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। मिथिलेश, उससे क्या होता है, दो गायों का दूध पीने के बाद भी बछड़ा बैल ही बनता है। मेहमान, बच्चों को पैसा इकट्ठा करने के लिए आप उन्हें गुल्लक क्यों नहीं ले देते? मेजबान, हमारा अनुभव है कि गुल्लक बच्चे को कंजूस और माँ बाप को चोर बना देते हैं। राकेश नरेश से, तुम इतने उदास किस कारण से हो, कोई समस्या है क्या? नरेश, मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपये मांगे थे,
मगर उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नेताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर आदमी को हर चीज मिलनी चाहिए, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो, यदि तुम्हें भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो, यदि ठंड लगे तो दुकान का सबसे अच्छा सिला कोट उठा लो। भाषण देने के बाद वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया। श्याम अपने मित्र से पत्नी की प्रशंसा कर रहा था, मेरी बीबी कभी भी मेरी बात नहीं टालती। राम क्या बात करते हो, बात और बीबी मानने नहीं। श्याम कल रात मैंने गर्म पानी मांगा और उसने तुरंत पानी गर्म कर दिया। राम खाना खाने के बाद तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ी थी। श्याम बात यह है कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता। अंधेरे में साहब का किसी ने मुंह चूम लिया, उन्होंने पूछा कौन है। मालूम हुआ नौकर है। साहब क्यों बे गधे यह क्या हरकत की थी। नौकर, हजूर माफ कीजिए मैंने मेम साहब समझा था। कमला, मेरे सिर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा कौन सी दवाई लूं। बिमला, दर्द तो कभी कभी मेरे भी होता था, पर ऐसे में राजू के पापा मुझे थपकियां देकर सुला देते थे और दर्द बंद हो जाता था। कमला, पता नहीं तुम्हारे राजू के पापा घर कब तक आएंगे। राजू, हे भगवान तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। चेला, बाबा इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो, बस एक बीबी मांग लो। भिखारी, एक रुपया दे दो ना, भगवान आपको मेरी दुआ से 10 लाख देगा। श्याम, तू एक पैसा मुझे देकर अपनी दुआ से 10 लाख खुद क्यों नहीं ले लेता। माँ और बीबी में क्या फर्क होता है, एक आपको इस दुनिया में रोता हुआ लाती है और दूसरा यह ख्याल रखती है कि आगे आप रोते ही रहें। एक लेखक महोदय रात 1:30 बजे मकान मालिक के दरवाजे पे पहुंचे। मालिक लेखक महोदय से चिड़ी चिड़ी आवाज में पूछा, इतनी रात को क्यों आए हो। लेखक, मालिक इस महीना का किराया नहीं चुका पाऊंगा इसलिए बताने आया हूँ। मालिक, लेकिन यह बात तो आप सुबह भी बता सकते थे, लेकिन इतनी चिंता के कारण मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपको नींद आ रही होगी। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचा तो मैनेजर ने दूल्हा को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया। दुल्हन खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर है, आपको उनका नाम पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैनेजर, बात असल में यह है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाते हैं। जज, गवाह कहता है तुम में और तुम्हारी पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई। पति, जी हजूर मगर कहा उसने सुनी मैंने। चोरी चोरी करते पकड़ा गया, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट, तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है वह सब मेज पे रख दो। चोर, यह तो सरासर अन्याय है हजूर, माल का आधा आधा किया जाए। पिता, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बंबई से मद्रास तक बिना हिले डुले पहुंच जाए। पुत्र, जी हाँ रेलवे लाइन। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था, एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए बड़ा मोटा है, उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है। हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है। चूहा बोला, उम्र तो मेरी 6 महीने है
लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी विज्ञान से आपको बहुत लाभ हुआ, अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, आजकल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गधों के बहुत चित्र छप रहे हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, आप भी अपना फोटो भेज कर देखिए ना। अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा, 1000 के बाद लाख, फिर करोड़, फिर अरब आता है, अरब के बाद क्या आता है? छात्र ने कहा, सर अरब के बाद ईरान आता है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।